पता है आपके माँ बाप को सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब आप उनके दिए हुए पैसों का मिसयूज करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो। कैसे कैसे वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके, कैसे कैसे करके खुद के सपनों को मारकर, खुद की जरूरतों को आधा करके खून पसीना की मेहनत से वो आपके लिए पैसों को जमा करते हैं, और आप उन पैसों को पढ़ाई में इस्तेमाल करने की बजाय किसी और जगह खराब कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आप उनके हालात को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी उम्र सिर्फ इस उम्मीद में लगा के बैठे हैं कि मेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन मेरा बेटा खुद को जरूर बेहतर बनाएगा, खुश रहेगा, सक्सेस हासिल करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन आपको ये बात कब समझ आएंगी? आपको तो ये लगता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कौन सा पेपर आ गए, अभी तो एंजॉय कर लेता हूँ, इस कारण आज की पढ़ाई कल, कल की पढ़ाई परसों, और परसों की पढ़ाई तरसों पर टाल देते हूँ, और पूरा साल निकल जाता है। और फिर YouTube पर वीडियो देखते हैं कि एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, वन नाइट स्टडी प्लान। मेरे दोस्त, कल क्या ही जाए, कल का तो आपको ठीक से पता नहीं है, और आप आज का काम कल पर टाल देते हो। सिंपल साधारण शब्दों में बताऊं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिली और तुमको मिली है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, ना तो इसे बदलने कोई और आने वाला है, ना ही तुम्हें सक्सेस बनाने का कोई ने ठेका लेके रखा है। कोई मतलब नहीं किसी को अगर तुम कामयाब नहीं होते। अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी जुनैद जी ने। जुनैद जी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित नगीना कस्बे से ताल्लुक रखते हैं। जुनैद जी के पिता जाबिर हुसैन वकील और माता आयशा रजा हाउसवाइफ है। जुनैद का बचपन से सपना था कि वो भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा का हिस्सा जरूर बनेंगे। हालांकि उनके परिवार में कोई सिविल सेवा में नहीं था, उनको अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में रिसर्च की और खुद से तैयारी की। जुनैद जी ने जामिया मिलिया इस्माइलिया में जामिया रेमिडेंस कोचिंग अकेडमी में कोचिंग ली। जामिया की कोचिंग अकेडमी मुफ्त में सिविल सर्विस के छात्रों के लिए तैयार करवाती है। जुनैद के मुताबिक सिविल सर्विस की तैयारी की शुरुआत में 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करते हुए बेसिक समझ जाने के बाद तैयारी का समय घटकर 4 घंटों तक सिमट गया। जुनैद जी का मानना है कि घंटों की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, बस आप जो पढ़े, ध्यान लगाकर तैयारी करें तो सफलता जरूर मिलेगी। सिविल सर्विसेज की 4 बार परीक्षा देने के बाद 5वीं बार में सफलता हासिल हुई। पहली बार में उनका भारतीय राजस्व सेवा में चयन हुआ था। हालांकि जुनैद जी का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का था, इसी के चलते 5वीं बार परीक्षा दी और सिविल सर्विसेज 2018 की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में 3रा स्थान मिला। सबसे जरूरी बात है कि जुनैद जी पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन अपने सपने को अच्छे से जानते थे। अपने माता पिता को कोई नहीं, खुद की जिम्मेदारी खुद ली थी। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और एक फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं हूँ शिव कुमार डरवाल। आपकी इस सफर में कोई हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड विद डरवाल जी।